नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्यूटीजन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंधी का बहुत सिंपल सा डिज़ाइन लेके आई हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बनने के बाद बहुत खूबसूरत लगता है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाए। अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप ज़रूर मुझे कमेंट्स करें। तो चलिए मैं अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। तो आज के डिज़ाइन का ग्राफ देखें इस तरह से। तो सबसे पहले इसे आपको ग्राफ पेपर में बना लेना और फिर इसे कार्बन के थ्रू अपने कपड़े पर छाप लेना। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ से देखिए इस तरह से यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। मैंने ठीक ग्राफ के पास इस तरह से निकाल लिया है और जैसे जैसे आपका ग्राफ जाएगा आपको वैसे वैसे जाना है। अब हम यहाँ से आएंगे तो देखिए इस तरह से हमें यहाँ पे हल्का सा कपड़ा पकड़ना। अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए, यहाँ से यहाँ हमें अपने नीडल को इस तरह से निकाल लेंगे। और फिर अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए इस पॉइंट में डालेंगे और इस पॉइंट में हमें नीडल को निकाल लेना है। और फिर हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से जैसे जैसे मेरा ग्राफ जा रहा है आपको वैसे वैसे जाना, और हमेशा ध्यान रखना कि हमें अप एंड डाउन जाना, जैसे पहले वाले थ्रेड के ऊपर से तो दूसरे वाले थ्रेड के नीचे से। तो अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी आपको इसी तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ना है और अब आपको यहाँ से यहाँ आना है। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से इन दोनों के सेंटर में नीडल को डालना और इन दोनों के सेंटर में हमें नीडल को इस तरह से निकाल लेना है। और फिर अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए यहाँ पे नीडल को डालते हुए हमें यहाँ पे इस तरह से निकाल लेना। और फिर मेरा ग्राफ अब यहाँ आ रहा है, तो जब हम यहाँ आएंगे तो सेम इसी पॉइंट में हमें नीडल को डालना है और इसके ऊपर इस तरह से निकालें। तो सेम यहाँ भी इसी तरह से हमें यहाँ पे इन दोनों के सेंटर में नीडल को डालना है और इस वाले पॉइंट में जो पहले से थ्रेड था वहाँ पे हमें निकाल लेना। अब हम यहाँ से यहाँ पर आएंगे तो हमें पहले वाले थ्रेड के ऊपर से दूसरे वाले थ्रेड के नीचे से। तो इस वाले डिज़ाइन में हमें ध्यान क्या रखना, हमें इन दोनों के बीच के सेंटर में नीडल को डालना है, इन दोनों के बीच के सेंटर में इस तरह से नीडल को देखिए इस तरह से हमें हल्का सा कपड़ा पर करते हुए निकाल लेना है। अब हम यहाँ से आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से हमें सेंटर के बनाना है। और फिर हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें नीडल को इस तरह से सेंटर में निकाल लेना है। तो अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से यहाँ पे नीडल को डालेंगे और यहाँ पे इस तरह से हमें निकालना है। और सेम इसी तरह से पहले वाले थ्रेड के नीचे से दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से, इसी सब का हमें ध्यान देते हुए बस सेंटर में डालना है और सेंटर में निकालना है। सेम इसी तरीके से यहाँ इन दोनों के सेंटर में डालेंगे, इन दोनों के सेंटर में हमें नीडल को इस तरह से निकाल लेना है। जैसे जैसे मेरा ग्राफ जा रहा है बस वैसे वैसे जाना है। और आपको ध्यान रखना है कि जब भी मेरा इस तरह से दो थ्रेड हो जाए, जैसे अभी हम यहाँ से यहाँ आएंगे, यहाँ पे नीडल को डालेंगे, यहाँ पे निकालेंगे और फिर हम यहाँ आएंगे तो हमें इस सेंटर में डालते हुए दूसरे वाले पॉइंट में जहाँ पे मेरा थ्रेड है हमें निकाल लेना। अब देखिए यहाँ दो थ्रेड हो गया, तो यानी कि हमें पहले वाले थ्रेड के ऊपर से दूसरे वाले थ्रेड के नीचे से। तो बस इसी तरह से हमें अपना पूरा स्टेप बना लेना। आपको ध्यान क्या रखना, बस सेंटर में हमें इन दोनों के बीच में नीडल को डालना है, इन दोनों के बीच में नीडल को निकाल लेना, ताकि ये इस तरह से एक जॉइंट हो जाए। देखिए इस तरह से जो ये जॉइंट बन रहा है वो जॉइंट बनना चाहिए। अब हम यहाँ आएंगे, यहाँ भी इसी तरह से हम इसके सेंटर में निकालेंगे और ठीक इसी सेंटर में हमें नीडल को डालना है और इसके सामने हमें नीडल को इस तरह से निकाल लेना है। और फिर यहाँ से यहाँ आएंगे और इसी तरह से हमें यहाँ से लेके यहाँ तक
पूरा बना लेना। बस ध्यान क्या रखना है, ऑल्टरनेट करना, एक बार ऊपर से तो एक बार नीचे से, यहाँ पे इस तरह से, और हमें सेंटर में निडल को डालना और सेंटर में निकाल लेना। तो बस इसी तरह से हम पहला और दूसरा स्टेप हम कर लेंगे। तो देखिए मैंने इसी तरह से आधा बना लिया। अब हम यहाँ से आएंगे तो जब हम सिर्फ एक लाइन यहाँ पे, जिस तरह से अभी अगर हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे हमें क्या करना, बस हम अपने नीडल को स्ट्रेट के नीचे से लेकर आना है। देखिए इस तरह से यहाँ भी हमें ऊपर रहना और यहाँ भी ऊपर रहना है। और अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इन दोनों के सेंटर में इस तरह से हमें नीडल को निकाल लेना है, और यहाँ पे हमें अपने नीडल को स्ट्रेट के ऊपर से। तो अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए हमें अपने नीडल को इस थ्रेड के नीचे से लेकर आना है। तो मैंने अपने फ्रेम को इस तरह से यहाँ लाना है, और फिर हम यहाँ आएंगे यहाँ भी ऊपर से यहाँ पे इस तरह से राइट टू लेफ्ट नीडल को निकालेंगे और हमें इस थ्रेड के नीचे से। तो अब हम यहाँ आएंगे तो देखिए ये लास्ट का है, तो बस हमें इस तरह से सेंटर में निकालते हुए जैसे जैसे मेरा ग्राफ जा रहा बस वैसे वैसे हमें जाना है। यहाँ पे हल्का सा हमें कपड़ा लेते हुए फिर अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से लेफ्ट टू राइट हमें अब नीडल को निकालना है। यहाँ पे इसके ऊपर से, दूसरे वाले थ्रेड के नीचे से। आपको हमेशा ध्यान रखना है, एक बार आप तो दूसरी बार हमें इस तरह से अपने नीडल को डाउन लेके आना है। और मेरा ग्राफ यहाँ आ रहा तो यहाँ भी इसी तरह सेंटर में डालेंगे और सेम इसी पॉइंट में जहाँ पे मेरा पहले से थ्रेड है यहाँ पे हमें नीडल को निकाल लेना। तो अब हम यहाँ आएंगे और फिर यहाँ आना है, सेम इसी पॉइंट में हमें नीडल को डालना है और जस्ट इसके ऊपर हमें नीडल को निकाल लेना है। अब हम पहले वाले थ्रेड के ऊपर से थ्रेड को टाइट रखना, दूसरे वाले थ्रेड के नीचे से, फिर इसके ऊपर से, फिर हम यहाँ आएंगे इसके बीच में हमें इस तरह से फिर से लेफ्ट टू राइट निकालना, पहले वाले धागे के ऊपर से, दूसरे वाले धागे के नीचे से। तो बस इसी तरह से हमें इसे बनाते जाना है। तो देखिए बस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में हमें इस तरह से जॉइंट कर लेना है। आप देख ही रहेंगे जॉइंट करने के बाद ये एक दूसरे से जॉइंट दिखेगा और फिर हमें यहाँ से यहाँ, तो जैसे जैसे ग्राफ जा रहा है बस हमें वहाँ से वहाँ जाना और इस तरह से इसके सेंटर में और इसके सेंटर में नीडल को निकाल लेना। तो बस इसी तरह से हमें यहाँ तक बना लेना है। तो देखिए यहाँ पर पहला और दूसरा स्टेप कम्प्लीट हो गया। तो चलिए अब इसका फिलिंग करते हैं। तो आप देख रहेंगे ये एक इस तरह से फ्लावर वास की तरह ये शेप लग रहा है। तो अब हम यहाँ से देखें इस तरह से इस कॉर्नर में, ये जो मेरा कॉर्नर है तो बस हमें सेम इसी तरीके से जैसे हम फिलिंग करते हैं क्रॉस के पास नीडल को हमें इस तरह से निकालना है, और नेक्स्ट हमें सेमी सर्कल बनाना है। और हमें सेमी सर्कल बनाते हुए हर क्रॉस के बीच से नीडल को निकालेंगे और ये छोटे वाले क्रॉस से निकालेंगे और फिर ये जो पहला वाला धागा है इसे हमें उठा लेना। तो देखिए मैंने यहाँ पे अपने थ्रेड का कलर चेंज कर लिया। अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ से यहाँ और इसी तरह से सेमी सर्कल बनाते हुए बस आपको हर क्रॉस के बीच से नीडल को निकालते जाना है। पहले बड़े वाले क्रॉस के बीच से निकालेंगे, फिर छोटे वाले क्रॉस के बीच से नीडल को निकालेंगे और फिर ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे हमें उठा लेना। तो देख रहे होंगे इस तरह से एक सर्कल बन रहा है। फिर हम यहाँ आएंगे तो बस इस स्टेप को हमें रिपीट करना है। और जिस भी डायमंड में इस तरह से देखें, जब हम ये लास्ट के डायमंड में आएंगे तो आप ध्यान से देखिएगा, इस तरह से मैंने अपने फ्रेम को थोड़ा सा टर्न कर लिया ताकि आपको अच्छे से दिखे। अब हम यहाँ आएंगे और यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे, फिर देखिए अब हमें यहाँ पर आना है। पहले वाले धागे को उठाते हुए हम लास्ट के डायमंड में आएंगे इस रो के। तो
तो इसमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए 1 2 3 तीन क्रॉस बने, यानी एक एक करके हमें इन तीनों क्रॉस के बीच से नीडल को निकाल लेना है। फीलिंग बहुत आसान होता है जब अगर एक बार आपका पहला और दूसरा स्टेप सही बन जाता है तो थर्ड एंड फोर्थ स्टेप बनाना बहुत ईजी होता है। तो ये मेरा तीसरा और चौथा है जो इसमें साथ में ही चलेगा। तो देखिए इस तरह से एक साथ हम दूसरे वाले क्रॉस में आ गए, फिर यहाँ पे तीसरे वाले क्रॉस के बीच से नीडल को निकाले और फिर यहाँ से इस तरह से देखिए अप डाउन अप डाउन अप, तो हमने यहाँ पे नीडल को इस तरह से निकाल लिया है। तो ये पूरा फिलिंग हो गया। अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से हमें पहले वाले क्रॉस में जो धागा है इसे उठाना है और यहाँ से यहाँ सेमी सर्कल बनाते हुए अब हमें यहाँ आना है। बस थर्ड स्टेप में आपको ध्यान क्या रखना है कि आपको सेमी सर्कल बनाना है और हर क्रॉस के बीच से बस नीडल को निकालते जाना है। जिस भी डायमंड में आपका इस तरह से तीन क्रॉस बन गया है तो वो आपका फिलिंग होगा। जैसे हम अभी यहाँ पे आए हैं तो यहाँ भी ध्यान से देखिएगा तो यहाँ तीन क्रॉस है। हम थ्रेड को थोड़ा सा लूज रखेंगे, हमें टाइट नहीं करना है, देखिए इस तरह से हमें लूज रखना है। अब हम नेक्स्ट यहाँ आएंगे, ये भी मेरा क्रॉस है तो इसके बीच से नीडल को निकालेंगे, फिर ये पहला वाला थ्रेड उठाएंगे और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे तो ये भी क्रॉस है। अब देखिए इस डायमंड में चार धागा हुआ तो पहले डाउन फिर अप फिर डाउन फिर अप। फिर हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से डाउन अप डाउन, तो आप देख ही रहे होंगे कितना आसान है फीलिंग इसका। फिर हम यहाँ आएंगे तो बस हमें इसी तरह से अप एंड डाउन करते जाना है और जब क्रॉस आएगा तो इस तरह से क्रॉस के बीच में हमें नीडल को निकालना और चार धागा हो तो पहले इस तरह से डाउन फिर अप फिर डाउन। तो फीलिंग में देखिए बस एक ही चीज़ है जो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको इस तरह से सेमी सर्कल बनाना और हमें एक डायमंड से दूसरे डायमंड में इस क्रॉस के थ्रू ही जाना। तो ये जो क्रॉस में पहला वाला थ्रेड है इसे उठाना है और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो फिर इसी तरह से हमें स्मॉल क्रॉस के बीच से नीडल को निकालना है। तो बस इसी तरह से हमें क्रॉस के थ्रू यहाँ से यहाँ यहाँ से यहाँ फिर इसी तरह से हमें यहाँ से एक साइड से ऊपर जाते हुए इधर से इधर और फिर यहाँ से डाउन होते हुए हमें यहाँ तक आ जाना। तो बस इसी स्टेप को फॉलो करते हुए हम बना लेंगे। बस क्रॉस के बीच से नीडल को निकालना और सेमी सर्कल बनाना, बस यही करना है। तो देखिए मैंने इसी तरह से यहाँ से लेकर एक कॉर्नर कर लिया। अब हम यहाँ पे इस तरह से दूसरे कॉर्नर में आ गए तो बस इसी तरह से बस हमें हर क्रॉस के बीच से नीडल को निकालना है। इस तरह से देखिए मैंने इस क्रॉस के बीच से नीडल को निकाल लिया है और जब ये चार धागा हो जाए तो बस हम पहला और ये जो तीसरे वाले धागे के नीचे से हमें नीडल को उठा लेना। अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी पहला और तीसरा जो थ्रेड है इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। तो बस इसी तरह से हमें हर जगह यही करना, क्रॉस के पास आना है फिर छोटे वाले क्रॉस के बीच से नीडल को निकालेंगे और फिर यहाँ से ये जो पहला और ये जो तीसरा वाला थ्रेड है इसे उठा लेंगे। जिस भी बॉक्स में इस तरह से डायमंड में चार थ्रेड हो जाता है, जैसे यहाँ पे है, यानी कि ये डायमंड मेरा कंप्लीट हो गया, ये अभी अनकम्प्लीट है। तो बस इसी स्टेप को फॉलो करते हुए हमें करते जाना है, बस क्रॉस में थ्रेड उठाना है फिर यहाँ से यहाँ और इसी तरह से हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लेना है। तो देखिए मैंने इसी तरह से यहाँ तक बना लिया। अब मैं एंड में आ गई हूँ जहाँ पे मैंने स्टार्ट किया था। तो बस इसी तरह से क्रॉस के बीच से नीडल को निकाल लेना है और वन बाय वन करके, यानी कि हमें सबसे पहले वाले थ्रेड को उठाएंगे दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से, फिर तीसरा वाला थ्रेड हमें उठाना है यहाँ पे और फिर ठीक यहाँ पे जहाँ पे मैंने नीडल को निकाला था क्रॉस के पास, ठीक इसी पॉइंट में हमें नीडल को डाल देना है। तो देखिए मेरा ये डिज़ाइन बनकर तैयार है और ये बनने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है। आप चाहे तो इसे इस तरह से बॉर्डर के रूप में बनाइए या चाहे इस साइड से भी आप
बना सकते हैं। तो आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।